Very warm good morning everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EBS teacher. Yes, bachon, we will read lesson 6, Leaves in Our Lives. Which lesson? Leaves in Our Lives means लीव का अपने जीवन में क्या हम महत्व है. इसमें जो हमने रीड किया था, हमने लीव डिवर्सिटी किया था. देन व्हाट इज द मीन ऑफ लीव डिवर्सिटी मींस लीव की अलग अलग पार्ट्स, लीव स्टॉक, लीव ब्लेड, मेन वाइन, मिडल वाला, साइड वाइन. बेटा 3 डेज से हम रेगुलर इसी चीज को लर्न कर रहे हैं. मे बी अब आपको ये लर्न हो चुका होगा, हो गया या नहीं. और अगर अब भी नहीं हो रहा तो प्लीज बेटा अलर्ट हो जाइए स्टडी के लिए और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए. ओके, देन हमने देखा था कि लीव्स के अलग अलग कलर्स होते हैं. 5% या 2% लीव्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं, येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर. साइज डिफरेंट होते हैं. मैम ने आपको लीव्स के साइज भी ला ला करके दिखाए थे कि देखिए कोई लॉन्ग है, कोई छोटा है. अलग अलग साइज के थे, शेप्स उनकी डिफरेंट डिफरेंट थी. देन हमने जो रीड किया था उसकी स्मेल, मैम ने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. आप कोरिएंडर लीव्स देखिएगा, कोरिएंडर मीन्स धनिया, ठीक है. तो आप वो लीव देखना, उस लीव की स्मेल डिफरेंट होती है. मिंट लीव, मिंट लीव मीन्स पुदीने की पत्ती, आप उसकी स्मेल लेते हैं तो वो डिफरेंट आती है. अगर मम्मा चटनी दोनों के अलग अलग बनाती हैं तो आपको पता चल जाता है ना, ये मिंट लीव की है, ये कोरिएंडर के है, करी लीव्स, इसकी स्मेल भी डिफरेंट होती है. तो लीव्स की स्मेल भी अलग अलग होते हैं. फिर हमने टेक्स्चर पढ़े थे इनकी. देन आज हमें जो रीड करना है वो करना है लीव्स आर यूजफुल. लीव्स कैसे काम आती हैं. वन ऑफ द मेन यूजेस ऑफ लीव्स इज दैट दे आर अ सोर्स ऑफ फूड. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर अ प्लांट, फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन लीव्स होती है वो ट्री को क्या करती है, फूड देती है. जो उसके अंदर फूड होता है उसे एयर, वाटर, सनलाइट, इनके थ्रू फूड प्रिपेयर करती है, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस. सम फूड मेड बाय द लीव्स इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ. रेस्ट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इज यूज्ड बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग मैनी वेज. लीव्स को अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है. इंसान भी इसे काम में लेते हैं, ह्यूमंस भी इसे यूज करते हैं, एंड एनिमल्स भी इसे यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में. अब कैसे करते हैं, एनिमल्स लाइक डियर, गोट एंड जिराफ ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स. एनिमल्स में डियर, गोट, जिराफ ये क्या करते हैं, प्लांट्स की लीव खाते हैं और इसको ईट करके वो अपना टमी फुल करते हैं. क्लियर. वी ईट लीव्स लाइक स्पिंच, लेचो, बैटल एंड फिकन. हम कुछ तरह की लीव्स हम खाते भी हैं. द लीव्स ऑफ इंडिको एंड हीना आर यूज एज डाइज. हीना और इंडिको की लीव्स क्या यूज आती है, डाइज बनाने में. जैसे हीना, हीना मीन्स मेहंदी, मेहंदी वगैरह लगाते हैं सिर में, हैंड में, तो ये डाइज के काम में आती है रंग देने की. द लीव्स ऑफ द ट्रीज, टी प्लांट्स आर यूज टू प्रिपेयर टी. और टी प्लांट की लीव क्या यूज आती है, चाय बनाने की, चाय की पत्ती बनाने के काम में आती है. करी लीव्स, बे लीव्स, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू अदर टू फूड आइटम्स. और करी लीव्स हैं, बे लीव्स हैं, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स ये क्या यूज आती हैं, ये फूड प्रिपेयर करने के यूज आती हैं. द लीव्स ऑफ नीम, तुलसी एंड एक्यूपल्स हैव मेडिसिनल वैल्यू. ये मेडिकल वैल्यू भी हैं. जैसे तुलसी, हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमने देखा है कितनी बार तुलसी का काढ़ा बनाते हैं. नीम भी बहुत सारी मेडिसिन के रूप में काम में आती है, इसलिए हम इसका सोप भी यूज़ करते हैं, साबुन भी इसका यूज़ करते हैं. लार्ज बनाना लीव्स आर यूज इन साउथ एज प्लेट्स टू सर्व फूड. और जो बनाना की लंबी लंबी लीव्स होती हैं, बनाना लीव्स होती है ना, काफ़ी लंबी होती है, साउथ में उसको फूड सर्व करने के भी काम में लिया जाता है. द रूफ ऑफ हर्स आर अदर ऑफन मेड यूजिंग द लीव्स ऑफ कोकोनट पाम एंड डेट पाम. कोकोनट पाम एंड डेट पाम की लीव्स छत वगैरह बनाने के भी काम में आते हैं. आप कहेंगे कौन सी छत, जो कच्चा हाउस होते हैं उनकी छत बनाने, उनकी रूफ बनाने के ये काम आती हैं. द ड्राइड लीव्स ऑफ धाक ट्री
are used to make plates and bowls. They are used to serve food. और जो डार्क ट्री होता है उसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं वो क्या काम आती हैं? अब इन दिनों बेटा कम होता है कि पत्तल वगैरह में खाना खाते हैं पत्तल दोनों में, वरना पहले क्या होते थे पत्तल दोने बनते थे उसकी, और अब भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल नहीं बनते, अब भी बनते हैं। तो वो डार्क ट्री की लीव्स प्लेट्स और बाउल्स बनाने के यूज आती है। लीफ डिजाइन आर यूज्ड ऑन टेक्सटाइल पॉटरी एंड वॉल्स ऑफ हाउसेस, और ये अलग अलग टेक्सटाइल्स की डिजाइन देने के भी यूज आती है। शेडिंग ऑफ लीव्स, मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, सम ट्रीज शेड लीव्स बिफोर विंटर एंड सम आफ्टर विंटर, कुछ समर में और कुछ विंटर में। इन कोल्ड प्लेसेस वाटर फ्रीजेस इन विंटर, ट्रीज ग्रोइंग इन दीज प्लेसेस लॉस देयर लीव्स इन ऑटम टू लिसन देयर नीड फॉर वाटर, द फॉलन लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट, इट इज वेरी यूजफुल एट फर्टिलाइजर, इट रिसोर्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। कुछ जगह क्या होता है कि समर में पत्तियां गिरने लगती हैं, वो ऑथम टाइमिंग आता है, तब ये लीव्स फॉल होने लगती हैं, फॉल करने लगती हैं। तो क्या होता है जो ये लीव्स फॉल करती हैं तो ये हमें खाद बना फर्टिलाइजर के यूज आती है, हम मिट्टी के अंदर खाद वगैरह बना के इसे डालते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। ओके, अब हम ये दोनों कर चुके थे, अब आज हमारा वर्क है इसे कंप्लीट करना। क्लियर? तो ये आपको कंप्लीट वर्क करना है। ओके बेटा, ये आपको कंप्लीट वर्क करना है, आप देखिए इसको अच्छे से, और ये आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है, यहाँ आपको क्लास वर्क, एंड देन यू डू इट। और ये मैम ने आपको परसों होमवर्क दिया था और कहा था अभी आप खुद करेंगे और नहीं आएगा मैम आपको हेल्प करेंगे बाद में, आप सब अपना होमवर्क चेक करेंगे एक बार कि ये क्लियर है या नहीं। थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।